तब एक शब्द कबूल नहीं है। जिस खालिस्तानी आतंकवादी भिंडरावाले की वजह से पंजाब आतंक की आग में झुलसा, समझिएगा, जिस आतंकवादी भिंडरावाले की वजह से ऑपरेशन ब्लू स्टार करना पड़ा, जिस आतंकवादी जर्नैल सिंह भिंडरावाले की वजह से हरमिंदर साहिब में सेना उतारनी पड़ी, जिस आतंकवादी भिंडरावाले की वजह से पूर्व प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी की हत्या हुई, जिस आतंकवादी भिंडरावाले की वजह से पंजाब में दंगे हुए, जिस आतंकवादी भिंडरावाले की वजह से 83 सैन्यकर्मी और 492 नागरिक मारे गए, उस आतंकी को आतंकी कहना किसान आंदोलन में मना है। क्योंकि आप हैरान हो जाएंगे जब आप सुनेंगे, 21 जुलाई को सिंगू बॉर्डर पर किसान नेता रुल्दू सिंह मानसा को अपनी स्पीच में खालिस्तानी आतंकवादी भिंडरावाले की आलोचना करना महंगा पड़ गया। उनको आंदोलन से निकाल दिया गया क्योंकि उन्होंने भिंडरावाले के खिलाफ बोला, पन्नू के खिलाफ बोला, सिख फॉर जस्टिस के खिलाफ बोला। ये प्रतिबंधित संगठन जो है सिख फॉर जस्टिस, पन्नू, इसके अलावा भिंडरावाला आतंकवादी, उसके खिलाफ बोलने की वजह से किसान आंदोलन से बाहर कर दिया गया। यही नहीं, टीकरी में जो टेंट है इनका, रुल्दू सिंह मानसा, इनके टेंट पर अटैक हो गया, इनके टेंट पर अटैक हुआ, कुछ लोग वहां पर थे वो बुरी तरीके से जख्मी हुए हैं, टांके आए हैं। सुनने में थोड़ा अजीब लगे लेकिन ये सच है। मतलब खालिस्तान और भिंडरावाले आतंकी के खिलाफ बोलने पर संयुक्त किसान मोर्चा ने किसान रुल्दू सिंह मानसा को ना सिर्फ निलंबित कर दिया, निकाल दिया, बल्कि कल रात टीकरी पर उसके टेंट पर कुछ लोगों ने हमला तक कर दिया। वहां मौजूद लोग जख्मी हैं, कुछ को 15-15 टांके भी आए हैं। कहीं ये खबर नहीं आपको देखने को मिलेगी, कोई इसकी बात नहीं कर रहा है, लेकिन इनकी अब इन पर अब कार्रवाई कर दी गई। मतलब आंदोलन में रहना है तो क्या खालिस्तान क्या नहीं, देखिए इनका हाल, इन पर अटैक हो गया, टांके आए इनके सर पर, 15-15 टांके आए, ये देखिए आप, ये क्या गलती थी, ये उनके समर्थक है क्योंकि जो टेंट में अटैक हुआ, क्योंकि भिंडरावाले के खिलाफ बोल दिया, खालिस्तान के खिलाफ बोल दिया, तो जाके टीकरी बॉर्डर पर इनके टेंट पर अटैक कर दिया गया, उनको संयुक्त किसान मोर्चा ने निकाल दिया। मेरे साथ इस वक्त आरपी सिंह साहब हैं, बीजेपी के राष्ट्रीय प्रवक्ता हैं, वो मेरे साथ इस वक्त लाइव जुड़ चुके हैं। कुलदीप सिंह धालीवाल किसान नेता, पुष्पेंद्र चौधरी जी हैं वो भी किसान नेता, और समाजवादी पार्टी से अनुराग भदौरिया मेरे साथ हैं। सबसे पहले पुष्पेंद्र जी, मैं आपसे शुरू करना चाह रहा हूं, क्यों कार्रवाई हुई अगर आपको जानकारी हो, क्योंकि ये संयुक्त किसान मोर्चा ने निकाला है 15 दिनों के लिए, उनको निकाल दिया आंदोलन से, और टीकरी पर उनके टेंट पर अटैक भी हुआ है, कौन लोग हैं ये? नहीं देखिए, ये तो खबर आपके यहाँ पर ही चली है, उससे पहले मेरी जानकारी में भी नहीं आया था कि इस तरह की कोई घटना हुई है। पहली बात तो ये है कि कोई भी एंटी नेशनल यदि कोई एलिमेंट है या कोई विवादित बात है तो सभी किसान नेताओं को उससे बच के अपने केवल आंदोलन पे फोकस करना चाहिए, और संयुक्त किसान मोर्चा हो चाहे व्यक्तिगत हो, कोई भी विवादित जो चीज है उसको दूर हटा करके, या कोई एंटी नेशनल कोई बात कह रहा है तो उसकी तो भर्त्सना की जाए। पुष्पेंद्र जी एक मिनट, सॉरी, आतंकवादी को आतंकवादी कहना एंटी नेशनल कैसे, विवादित कैसे, भिंडरावाला आतंकवादी, बात खत्म या नहीं, आपको भी नहीं लगता? नहीं नहीं, आपकी बात ठीक है, भिंडरावाले हो चाहे कोई भी हो, जिन लोगों ने नहीं आतंकवादी, भिंडरावाले आतंकवादी, जिन लोगों ने भी एंटी नेशनल एक्टिविटी की है उनसे कोई लेना देना किसान का या किसान आंदोलन का नहीं होना चाहिए। हमें केवल अपनी मांग पर कि भाई 2-3 कानून है और एमएसपी की लीगल गारंटी, उस पर फोकस करना चाहिए, विवादित चीजों से जो है आंदोलन में कंट्रोवर्सी बढ़ती है। एक चीज अगर आप संयुक्त किसान मोर्चा को भी इससे बचना चाहिए तो फिर मेरे, बिल्कुल आप सही करें भाई, मैं भी ये मानता हूं कि किसान संयुक्त किसान मोर्चा ये कॉल लेगा ही नहीं, लेकिन सर ली गई है, इनको 15 दिनों के लिए निकाल दिया गया और इनके टेंट पर भी अटैक हुआ, तो फिर आपको लगता है कि इनको सम्मान वापसी इनकी करानी चाहिए आंदोलन में, क्योंकि किसान आंदोलन संयुक्त किसान मोर्चा पन्नू के साथ नहीं है बल्कि रुल्दू सिंह मानसा जैसे लोगों के साथ है जो खालिस्तान के खिलाफ है, मैं ठीक कह रहा हूं ना? तो फिर आप ये मांग कर रहे हैं कि इनकी वापसी होनी चाहिए सास सम्मान, और जिन्होंने अटैक किया उन पर कार्रवाई होनी चाहिए, ठीक? दरअसल ऐसा ऑफिशियल कोई स्टेटमेंट संयुक्त किसान मोर्चा का नहीं आया इस विषय में कि भाई क्या बात थी, किसने क्या कहा, हो सकता है इन्होंने कोई और चीज ऐसी किसानों के खिलाफ कह दी हो जिस वजह से इस तरह की बात हुई हो, लेकिन जो केवल अगर केवल आपकी स्टोरी के ऊपर निर्भर होकर के बात की जाए तो कोई ऐसा कारण नहीं था कि इनको बाहर निकाला जाए। अगर इनके पास काम करते हैं और कोई हो सकता है, ठीक कह रहे हैं पुष्पेंद्र जी, हो सकता है, क्योंकि देखिए ये इस वक्त अगर जी न्यूज सामने लगा है, ये इनके साथ के लोगों पर अटैक हुआ, उनके टांके हैं, अब ये टेंट किसान का, अटैक खालिस्तान का कहना पड़ेगा क्योंकि किसान तो किसान पर अटैक करेंगे नहीं,
ये कुछ असामाजिक कुछ तत्व है ना भाई, जो घुसपैठ हो गई है। मैं एक बार आपको करता हूं 21 जुलाई का, अगर वो स्टेटमेंट हम सुना सकें पुष्पेंद्र जी के लिए और जितने भी लोग पैनल पर हैं, ताकि क्लैरिटी रहे कि क्यों इन पर कार्रवाई हुई है, क्या उन्होंने कहा था, क्या गलत कहा था, नहीं कहा था, एक बार सुन लीजिए। 21 जुलाई को सिंगू बॉर्डर पर रुल्दू सिंह मानसा ने क्या कहा, जिसकी कीमत उनको अब चुकानी पड़ रही है। सुन लीजिए आप एक बार, पुष्पेंद्र जी आप भी सुन लीजिए। ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡਾ ਪਹਿਲਾ ਨਿਸ਼ਾਨ ਹੋ ਗਿਆ ਟੁੰਡੇ ਬੈਠਾ ਸੀਗਾ, ਸਾਡੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਭੜਕਾਤਾ ਉੱਥੇ ਬੈਠਾ ਭੜਕਾਈ ਗਿਆ ਗਾ, ਤੇ ਸਾਡਾ 25,000 ਨੌਜਵਾਨ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋਇਆ, ਉੱਥੇ ਉੱਥੇ ਬੈਠੇ ਦਾ ਉਹਦਾ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਗਿਆ। ਇੱਕੋ ਪੰਨੂ ਜਾ ਹੁਣ ਭੌਂਕਦਾ ਗਾ, ਆਹ ਕਰ ਦੋ ਫਲੰਨਾ ਚੱਕ ਦੋ, ਤੇ ਇੱਕ ਹੋਰ ਭੌਂਕਦਾ ਗਾ ਆਹ ਕਿਸਾਨ ਲੀਡਰਾਂ ਨੇ ਮਾੜਾ ਫੈਸਲਾ। संयुक्त मोर्चे ने जो कोई फैसला करेगा भी मैनू सस्पेंड किया, मैं संयुक्त मोर्चे का फैसला सिर मत्थे मानदा, पर मैनू हजे यही नहीं पता लग्या मैनू केड़ी गल तो सस्पेंड कर रहा। पुष्पेंद्र जी आपने सुन लिया? जी, कुछ भी गलत नहीं कहा तो पन्नू के खिलाफ। एक मिनट मैं क्लियर करना चाहता हूँ, आज पन्नू के खिलाफ आप लोग हैं, सिख फॉर जस्टिस प्रतिबंधित खालिस्तानी संगठन इसके खिलाफ आप लोग हैं, आप लोग जरनैल सिंह भिंडरावाले के खिलाफ आप लोग हैं, तो उनके खिलाफ बोलने की वजह से इन पर कार्रवाई क्यों? पुष्पेंद्र जी मैं बता तो रहा हूँ, पूरी स्पीच में से जो पार्ट आपने लिया है और वो खुद भी कह रहे हैं कि मेरी समझ में नहीं आया मुझे क्यों सस्पेंड किया गया। हो सकता है इन्होंने कुछ और विवादित बात भी कही हो जो किसानों के जो है पक्ष में ना जा रही हो, और जो आपकी एक आज की स्टोरी है कि भाई इन्होंने अगर केवल इतना कहा है इस पे किया है तो ये गलत है, ये इस बात को मैं कहने में मुझे कोई गुरेज नहीं है। लेकिन विवादित चीजों से सभी लोगों को बचना चाहिए और शांतिपूर्ण तरीके से अपनी मांगों पर फोकस करते हुए आंदोलन करना चाहिए। इन्होंने कुछ भी गलत नहीं कहा, बस ये कह दीजिए फिर मैं आगे बढ़ जाऊंगा। अभी जो मैंने आपको सुनाया कम से कम वो गलत नहीं है, ठीक। जो रुल्दो सिंह मानसा ने भिंडरा वाले को लेकर आतंकवादी और पन्नू को लेकर जो कहा वो कुछ भी गलत नहीं कहा, ठीक। हाँ वो तो राष्ट्र की भावना उस तरह की है, वो उसमें उनकी कोई गलती नहीं है। और कोई बात इन्होंने कह दी हो तो वो इसमें स्पीच में नहीं आई, क्योंकि मैं सारी स्पीच मैंने सुनी नहीं, केवल आपके यहाँ पर जो बयान आया वही मैंने देखा है। और संयुक्त किसान मोर्चा भी भिंडरा वाले को आतंकी मानता है? नहीं, अब संयुक्त किसान मोर्चा क्या मानता है क्या नहीं मानता है, लेकिन सारा देश मानता है उसमें संयुक्त किसान मोर्चा को। आप अरे मैं बता रहा हूँ सारा देश मानता है, मैं भी आप भी सब लोग मानते हैं, इसमें कोई अलग से सिंगल आउट करके नहीं, बिल्कुल नहीं। कैसी बातें करें पुष्पेंद्र जी, बस ये बस क्लेरिफिकेशन जरूरी होती है। मैंने डिबेट शुरू करी, मैंने 10 बार बोला आतंकवादी जर्नैल सिंह भिंडरा वाले, आतंकवादी जर्नैल सिंह भिंडरा वाले। आप भी एक बार बोल दें तो मैं फिर आगे बढ़ जाऊंगा। नहीं, इसमें ऐसा होता है, मैं आपको बार बताऊं। अब हम ये कहें कि भाई पहले आप पाकिस्तानी मुर्दाबाद कहो, फिर चीन मुर्दाबाद कहो, तब आप देशभक्त साबित होंगे, उस विवाद में मैं नहीं जाना चाहता। नहीं, वो विवाद भी भिंडरा वाले जो भी राष्ट्रीय आप, यानी कि आप क्योंकि आपको आंदोलन के साथ जुड़े रहना है इसलिए आप नहीं बोलेंगे भिंडरा वाले के खिलाफ। जो भी राष्ट्र विरोधी लोग हैं, मैंने कह दिया है, जो भी राष्ट्र विरोधी लोग हैं या आप बोलिए आतंकवादी भिंडरा वाले, वो सारे के सारे लोग जो है उनके उनसे हमारा कोई लेना देना नहीं है। हमें केवल अपनी मांग पे डटे रहना है और मांग को लेकर के आगे बढ़ना है, विवादित किसी चीज में हमें पड़ने की आवश्यकता नहीं है। पुष्पेंद्र जी, क्योंकि अब बार बार ऐसी चीजें होती हैं तो फिर शक होता है कि कहीं घुसपैठ हो गई। आप कह रहे हैं कि भाई आंदोलन का, किसान का, संयुक्त मोर्चा का कोई लेना देना नहीं है, बिल्कुल ठीक आप कह रहे हैं किसानों का इन चीजों से कोई लेने देना नहीं है, लेकिन आप भी हिचकिचा रहे हैं बोलने में, बोलिए आतंकवादी भिंडरा वाले। भाई मैंने कह दिया ना, जो आपने बात कही उसके साथ मैं हूँ, उसमें कोई आप बोल दीजिए ना एक बार, आपको नहीं निकालेंगे आंदोलन से। अरे भैया आपको डर है आपको भी निकाल देंगे आंदोलन से? मुझे निकलने और रहने का कोई शौक नहीं है। पुष्पेंद्र जी आपको डर लग रहा हो कि आपको भी निकाल देंगे आंदोलन से? नहीं, मैं तो किसानों की आवाज उठाता हूँ, उठाता रहूंगा, और आंदोलन से बहुत पहले से उठाता आया हूँ और आगे। फिर बोल दीजिए आतंकवादी भिंडरा वाले। अरे भाई वो आतंकवादी तो था ही, तभी तो उसके बोली आतंकवादी जर्नैल सिंह भिंडरा वाले के खिलाफ कुछ भी गलत नहीं बोला इन्होंने। अब उसको लिंक करके दूं क्या? हाँ, कह दिया मैंने कि जो भी एंटी नेशनल व्यक्ति है उनके एंटी नेशनल नहीं, आतंकवादी जर्नैल सिंह भिंडरा वाले, आतंकवादी हो, एंटी नेशनल हो, चाहे और हो, अब कहने को तो हम अब विवादित बात हम आपसे कहलवाने लगे कहने को देखिए आप, यानी कि आप नहीं मानते ना, ये सोच हो गई है कि आपकी कोई घुसपैठ हो गई है, आप लोगों को लिख कर दिया गया कि नहीं बोलना भिंडरा वाले के खिलाफ। नहीं नहीं, ऐसी कोई बात नहीं, हम विवादित क्यों पढ़ते नहीं। आपको डर लग रहा है इनके खिलाफ बोलेंगे आपको भी आंदोलन से हटा देंगे, अभी डिबेट वगैरह में नहीं आ पाएंगे फिर?
अरे भैया हम तो किसानों की बात उठाते रहे आरके हैं, सिंह इसमें साहब जो मेरे को तो है नहीं, आप हाँ नहीं बोल पा रहे हैं, जी पता नहीं क्या ये बोल कुछ दिया फैट भैया, वाली सब बात तरह की है। बातें बोल दी, लेकिन आप जो है, आरके सिंह अब मैं आपसे कहने लगूं, एक मिनट हाँ जी सुनिए, हाँ जी अब बोलिए आपने बोलिए बात ही, जी अब मैं जी आपसे कहने लगूं कि 2002 के दंगे के बाद सबसे बड़ा आतंकवादी कौन था, आप बोल उसका दीजिए नाम कौन लेके था। बताइए, वो मुर्दाबाद। वो तो कोर्ट का मसला, ये तो भिंडरा वाले है जिसकी वजह से सुनिए इंदिरा गांधी पूर्व प्रधानमंत्री की हत्या हुई, वो कोर्ट का सुनिए मसला है, वो कोर्ट में चल रहा है। अब यहाँ सुनिए, मुझे आप मैं क्या तुलना कर रहे हैं, आप भिंडरा वाले और किसकी बता रहा तुलना हूं कर रहे हैं, आपको आपको, पता है क्या मैं बोल रहे बता हैं रहा आप हूं पुष्पेंद्र आपको, जी, इसी तरीके शब्द से वापस ले लीजिए, सुनिए सुनिए राम सुनिए मंदिर, पुष्पेंद्र नहीं, जी सुनिए, मेरी राम बात मंदिर सुनिए, आंदोलन में, नहीं, पुष्पेंद्र आप जी मेरी मेरी बात बात सुनिए, सुनिए मैं आपका शुभ चिंतक हूं, मैं आपका जी, शुभ बताइए चिंतक हूं, मैं आपको जानता हूं अच्छे से, पहले से जानता हूं। अभी जो आप जी बोल गए गलती से, अपने शब्द वापस ले लीजिए। आप भिंडरा वाले अच्छा। की तुलना किससे कर रहे हैं आपको पता है ना, अरे माफी मांग भैया के शब्द जो वापस ले लीजिए, गलत जो बोल गए, मैं आपका शुभ चिंतक हूं। जो जो नरसंहार हुआ था उस हाँ जी वक्त, उसके लिए जो जिम्मेदार थे उनके हाँ खिलाफ बोल सकते हैं, या उससे पहले जो राम मंदिर आंदोलन के दौरान जो नरसंहार कई तरीके जो से हुआ कारसेवकों था, पर समाजवादी पार्टी ने गोलियां चलाई थी उसकी वो बात भी कर रहे हैं गलत आप। थी। अरे वो भी गलत थी, अब ये भी गलत चलिए नहीं, आरपी वो सिंह जी, उसके आरपी जो सिंह जो बीजेपी ने मतलब किया भिंडरा था, वाले को वो जस्टिफाई सारी करने चीजें, के लिए सारे एग्जाम्पल दे देंगे, ये उसको आतंकवादी नहीं बोलेंगे आप। कई कई चीजें गलत हुई हैं इस देश में, उन सब चीजों से बचते हुए, हटते हुए, क्यों उनकी बचना है भाई, निंदा करते आतंकवादी हुए, आतंकवादी बात खत्म क्यों लेकिन बचना है भाई, हम ताल कहते ठोक के हो, बोलिए अरे सर, आप भैया राष्ट्रवादी लोग हैं उनकी निंदा करते हुए केवल हम अपने पुष्पेंद्र जी, आंदोलन आप की बातों राष्ट्रवादी पर लोग फोकस हैं, है।